आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर से। फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे दबंगों पर पुलिस मेहरबान है। फरुखाबाद पे दबंगों पर मेहरबान है राजेपुर थाने की पुलिस। बड़ी खबर सामने आ रही है, शौचालय तोड़ने से मना करने पर दबंगों ने की पिटाई। दलित वृद्ध को दबंगों ने जमकर पीटा, वृद्ध घायल। थाने में न्याय की गुहार लगाने पर भी नहीं सुनी गई फरियाद। वृद्ध 1 जनवरी को अमृतपुर तहसील परिसर में हुआ था पेश। वृद्ध समाधान दिवस में डीएम और एसपी के सामने हुआ पेश। पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद वृद्ध का मेडिकल परीक्षण। जिला अस्पताल लोहिया में हुआ मेडिकल परीक्षण। 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं दर्ज हुई वृद्ध का मुकदमा। थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम दहेलिया का मामला। फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, दबंगों पर मेहरबान है राजेपुर थाने की पुलिस। शौचालय तोड़ने से मना करने पर दबंगों ने की पिटाई। दलित वृद्ध को जमकर पीटा गया, दबंगों ने जमकर वृद्ध को पीटा, वृद्ध घायल। थाने में न्याय की गुहार लगाने पर भी नहीं सुनी गई फरियाद। वृद्ध 1 जनवरी को अमृतपुर तहसील परिसर में हुआ पेश। वृद्ध समाधान दिवस में डीएम और एसपी के सामने हुआ पेश। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने दिया विवादित बयान। बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश की बात और कुत्ते की लात, इसका कोई भरोसा नहीं, नंदी ने दिया बयान। मुस्लिम समाज का अखिलेश यादव का वोट कैसे मिले, नंदी ने दिया बयान। इसके लिए अखिलेश जिन्ना को राष्ट्र पुरुष बता रहे हैं, नंदी ने दिया बयान। कल ओसामा बिन लादेन की पुतला, अखिलेश के अंदर बचपना कूट कूट कर भरा है, नंदी ने दिया बयान। घने कोहरे के कारण यातायात स्थगित। बड़ी खबर सामने आ रही है, कोहरे ने बढ़ाई यातायात की समस्या। कोहरे से यातायात वाहनों के पहिए थमे, रोजाना बाहर जाने वाले लोग परेशान। तो कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जहां दिन में ही लोग लाइट जलाकर चलने को मजबूर है। घने कोहरे के कारण यातायात स्थगित हो रहा है, कोहरे ने बढ़ाई है यातायात की समस्या। घने कोहरे में लोग परेशान हो रहे हैं, कोहरे से यातायात वाहनों के पहिए थमे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।